अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्क्वाड का ऐलान हो गया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बड़ी तब्दीलियां देखने को मिल चुकी है। दोस्तों यहां पर आपको बताएं कि मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान के पहले टेस्ट मैच से ड्रॉप कर दिया गया है। उनकी जगह सरफराज अहमद पाकिस्तान के लिए विकेट कीपिंग करेंगे। दोस्तों मुकम्मल तफसीलात इस हवाले से आपके सामने रखते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। दोस्तों आपको बताए कि पाकिस्तान के नए टेस्ट टीम के कप्तान शाद मसूद ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान करते हुए कहा कि पाकिस्तान के पहले मैच के लिए टीम में इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील, सरफराज अहमद, सलमान अलियागा, फहीम अशरफ, शहीन शाह आफरीदी, आमिर जमाल और इसके अलावा हुरम शहजाद जो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा होंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, पाकिस्तान का स्क्वाड कैसा है और उनकी बॉलिंग कम्बिनेशन कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा।